बजरंग वाहिनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज सिंह द्वारा वचन चलोत्रा को संगठन का जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर वचन चलोत्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस पर वो खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो संगठन द्वारा चलाए जा रहे कामों को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहूंगा और आगे मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि बजरंग वाहिनी दल जो है वो लोगों के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहेगा। क्या जो आपने दल जो बनाया है, क्या आपने उसको इलेक्शन में भी उतारेंगे क्या? सर, बजरंग वाहिनी दल जो है ये राष्ट्रीय मान्यता सिद्ध है और इसको जो है जैसे हमारे को पीछे से सेंटर से जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज सिंह जी जो जैसा चाहेंगे जहाँ जो उनके लिए आगे काम है तो उसके लिए भी हम हमेशा तैयार रहेंगे। सर, बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं और जो रोजगार है, बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, यूथ के लिए खासकर किस तरह से लड़ाई लड़ी है? जो बेरोजगारी है वो जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से चल रही है उसके लिए जो समस्याएं हैं, जैसे कोविड 2020 में जैसे कोविड ने दस्तक दिया, पूरे हिंदुस्तान में दस्तक दिया, उससे हमारा जम्मू कश्मीर भी जो है वो बचा नहीं। और जो लोगों की जो परेशानियां थी, जैसे जो प्राइवेट वर्क के लोग थे, कुछ युवा थे जो अपना जो है वो कार्य कर रहे थे, जो अपनी रोजी रोजगार के लिए अपना घर पालन के लिए काम करते थे, 2020 के बाद जो है वो समस्याएं जैसे खड़ी रहीं, तो उसके लिए ये है कि आगे जैसे ये बीमारी से हिंदुस्तान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो ये समस्याएं हैं ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, उसके लिए हम अपने युवाओं के साथ जो है वो किसी भी तरह से जो है वो इनजस्टिस जो है वो हम पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए गवर्नमेंट को कहना पड़े, जहाँ हमने अपने अपने राज्य सरकार से कहना पड़े, सेंटर में कहना पड़े, उनके लिए अच्छी स्कीमें लाएंगे, उनके लिए रोजगार के नए नए मौके हम जो आगे लेके आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएलके मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.